हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो ये मेरा चैनल का दूसरा व्लॉग है और आज हम कहीं बाहर जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा के बताऊंगी हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ स्पेशल है। तो हम घर से व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि हम हो चुके थे काफ़ी लेट, तो मैंने सोचा कि अभी व्लॉग शूट किया जाए। तो मैंने अभी व्लॉग शूट करना शुरू किया है और मेरे साथ है स्नेहा, हाय, और ये रहा आगे मेरा भाई, और ये रहा व्यू। और टाइम हो चुका है सुबह के 6:15। सभी हम बलदिया में, वो देखो यहाँ का नाम है पत्थर गांव, कि यहाँ पर ना कुछ श्राप मिला था इन लोगों को और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओले पड़े थे, तो वहाँ से सारी मिट्टी गिर गई, फिर ऐसी पत्थर ही पत्थर दिखते हैं यहाँ पर। हेलो गाइस, आई एम बैक अगेन। सो अभी हम एक जगह पर रुके हुए हैं, मैं आपको उसका व्यू देती हूँ। ये रहे हमारे भाभी जी, ये रही स्नेहा, ये रहा व्यू। सो गाइस, इसके अंदर पानी और ये काफ़ी ज़्यादा गंदा पानी लग रहा है देखकर। ओके, कोई बात नहीं, बट यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम हमारी लोकेशन पर पहुँच चुके हैं और ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये देखो ये कितना सुंदर फ्लावर है, ये देखो इनका फोटोशूट चला हुआ है। तो मुझे रिवील कर देना चाहिए, मेरे भाई का है प्री वेडिंग शूट, तो हम आए हैं उसके साथ में। सो आगे को भी मैं आपको काफ़ी कुछ बताती रहूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। गाइस, मैं आपको यहाँ के और ज़्यादा व्यूज़ दिखाती हूँ। देखो कितना ज़्यादा सुंदर पार्क है ये रही स्नेहा। ये देखो ये हमारी व्लॉगर, नेक्स्ट व्लॉगर। ये देखो यहाँ पे ना इसके ट्रीज के छोटे छोटे से वो चेयर बनाई हुई है बैठने के लिए, नाइस। स्नेहा के लिए ये चेयर बिल्कुल सही है, ये देखो। यहाँ से नीचे को जंगल है, यहाँ से नीचे को भी काफी चीजें है, मतलब बहुत ज्यादा। अरे वहाँ पे देखो ये क्या है, वो पानी का वो है, ये क्या है, ये झोपड़ी सी। अच्छा हाँ, यही कह रही हूँ। अच्छा, यही कह रही थी मैं। आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि आज हम काफ़ी जगहों पर जाने वाले हैं शूट के लिए, और गाइज आपको मेरा वेट बढ़ा हुआ दिख रहा होगा, सो क्योंकि हम किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ये देखो इसे, यहाँ पे कितनी छोटी छोटी स्टेयर्स है, मेरा तो आधा पैर भी नहीं आएगा, सब गिर गई थी मैं। ये देखो पानी से ऐसे भी आ रहा है, मतलब आजकल पानी भी नहीं है ना, हल्का हल्का देखो उसके हाथों से, इसमें पानी की बूंदे गिर रही है, ये देखो ध्यान से देखना, बट वहाँ तो मच्छर उड़ रहे हैं। यहाँ पर परे चलेगा शूट इन लोगों का। ये देखो यहाँ से कितना सुंदर रास्ता, देख कोयल है वहाँ पे, दिन अच्छा जाएगा। अब देखो आप लोग भी देख लो गाइस, कोयल, आप लोगों का दिन भी अच्छा जाएगा। सो गाइस, जैसे कि आप इस ट्री हाउस को देख ही सकते हो, सो हम सोच रहे कि हम इसके ऊपर चढ़े। सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि हम लोग इसके ऊपर चढ़ सकते भी है कि नहीं चढ़ सकते हैं।
नहीं ये फिक्स नहीं है यार, इसकी तो बहुत स्टेयर्स ही हिल रही है, इसमें चढ़ते चढ़ते बंदा गिर जाए। ये फिर भी ऊपर वाली थोड़ी है, रिस्क है यार बहुत। क्या करे बता, यहाँ की स्टेयर्स ही हटा दी है। नहीं गिर गई होगी ये। अगर मैं गिर गई तो नहीं, फिर रहने दो। ओके जी हम यार देखिए गिर सकता है ये तो गिर जाएगी। ये देखिए पूरा खुल रहा है। हाँ ये ना। सो गाइस अभी हम ऊपर जाएंगे, ऊपर का आपको दिखाती हूँ पूरा एरिया। आ जाओ गाइस, यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है। मैं तो चली झूला झूल रही। अरे वाह यहाँ पे कितने सुंदर फ्लावर्स है बे। अरे यार यार कितने सुंदर है भाई, ये वाले फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं। माय फ्रेंड ऐसे बोलो। कहाँ थे तुम इतने टाइम से, मैंने तुम्हें कितना मिस किया था। गाइस यहाँ का व्यू देखो कितना ज्यादा सुंदर है भाई साहब। Beautiful flowers. यार कितना सुंदर है भाई। लेकिन अंदर जा सकते हैं? नहीं 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 नहीं, इसके तो अंदर जा सकते पर नहीं उसके नहीं यहाँ पे। ये हमारा हिमाचली कल्चर है, उन्होंने अपने सिर पे दाढ़ू लगाया हुआ है, हाथ में बकरी को पकड़ा हुआ है, मैं बकरी के बच्चे को। मैक्सिमम हिमाचली वेडिंग, ये तो सारे हिमाचली लोग हैं और इनमें पूरा हिमाचली वो कल्चर कल्चर शो करा रहे हैं। ये भी कल्चर शो हो रहा है। दिस वन इज पिकनिक एरिया, सो यहां पे ये लोग भी पिकनिक मना रहे हैं। काफी लोग आए हुए हैं। हां आई एम सो सॉरी मैं थक चुकी हूं। तो गाइस आई थिंक सो ये लास्ट पॉइंट है इस पार्क का, तो ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। देखो वहां पे लायन, लायन ही टाइगर नहीं लेपर्ड, लेपर्ड है लेपर्ड नहीं, इस साइड लायन भी है। देखो काफी सुंदर है ये, हर जगह पे ऐसे से प्लांट्स लगाए हुए हैं। वाओ लास्ट पॉइंट है इस पार्क का, अब हम नीचे पार्क में जाएंगे झूला झूलने के। हाँ पहले गाइस बड़े बूढ़े बच्चे, बड़े बूढ़े बच्चे इसे घर पर ट्राई ना करें, इसे पार्क में करें क्योंकि ये पार्क में ही होता है। फास्ट ना फास्ट फास्ट।
तो दोस्तों देख सकते हो बचपन के दिन नहीं अच्छे थे। खड़ी हूँ इस पे, गिर ना जाना। ओके सीसो सीसो, ये वो वाला फील कर रहा हूँ जो इसको गोल गोल घूमता है ना सारी। बहुत ब्लॉग बना दिए एक ही जगह, इसे तो गाड़ा पा देना कुछ। इन्हें गिरने का मन है तो ये ट्राई कर रहे हैं। चलो चलते हैं। सो गाइस यहाँ पर चला हुआ है शूट, ये देखो यहाँ पे ये है उदित भैया, ये यहाँ पे शूट कर रहे हैं इन लोगों का और ये साथ में इनके साथ है, इनको मैं जानती नहीं हूँ। एक ये भैया है और एक ये वाले हैं, देखो ये हमारे भाभी जी और ये रहे हमारे में उदित भैया इंस्ट्रक्शंस देते हुए। कौन आ गया ना, ने आना है बस, खाली वॉक शॉट है एंड पकड़ना है, इस तरफ को आ जाना मतलब सेंटर में मिलना है ना उन्होंने, सेम गैप रखना, सेम गैप। और एक बातें करते चलो यार, सीरियस ही बहुत हो रहा है। हाय हाय, एक दूसरे से बातें करते हैं, क्या बातें कर रहे हैं तो ऐसे होते हैं। जिन्ने को बोला ना मुस्की दीदी थक गए हैं अब और ये कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, बात करो नहीं। ये हमारे मॉडल फोटोशूट, सो गाइस हमारे घने जंगलों में है हमारी थर्ड लोकेशन, यहाँ पे आपको कुछ छोटी बच्चे मॉडल तो व्लॉग में ही ऐसे रहे बनेंगे। ये बड़ा अच्छा लगे कट कर ग्लिच, अश्लील हो रही है पेड़ों के साथ। ये देखो लोकेशन चेक करो गाइस, लोकेशन ये देखो रेडी फॉर नेक्स्ट रेडी फॉर नेक्स्ट फोटोशूट, यस वी आर ऑल्सो रेडी। बोले जुबा केसरी, लोग सोचेंगे कि क्या हो गया इसको, क्या कर रही है। तो जब हम एक ब्लॉग देख के पक रहे हो तो पकते रहो, कोई बात। हम बहुत लोकेशन पहुंच गए हैं और ये लोकेशन बहुत अल्टीमेट है, अभी आपको दिखाते हैं। ये लोकेशन सनसेट के लिए बहुत सही है, अभी जब सनसेट होएगा ना थोड़ी देर में, मतलब अराउंड 6 PM हो जाएगा, 6 PM नहीं 6:30 PM, तो आपको हम दिखाएंगे, फिर देखना व्लॉग में रहना। तो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, फोटोग्राफर ये देखो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर
ओके यहाँ पे ऊपर चले गए सारे और फिर अब मैं भी जा रही हूँ, ये भी आ रहे हैं, फिर ऊपर जाके दिखाते हैं आपको व्यू। वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ओके, स्टार्टिंग में दिखाया था ये, यहाँ पे पत्थर की बारिश हुई थी तो वो दूर से दिखा रहे थे उस टाइम पे। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये वो एरिया है जहाँ पे वो कहते होते हैं कि पत्थर की बारिश हुई थी इन पे, कोई मतलब श्राप होगा कुछ ऐसा कह रहे थे, उस वजह से हुआ था ये वो। सामने से ऐसा दिखता है, तो ये देखो मैं फूल कुमारी बन गई हूँ और जा रही हूँ ऊपर को, आपको व्यू चेक करवाते हैं। वी आर रिस्क टेकर्स, आपको दिखाते हैं, आप खुद देखो, मतलब वीडियो में तो इतना शूट नहीं होगा ना। नहीं बता पीछे जा, मेरे को खुद यहाँ पे खड़े हो, कैसे लग रहा है? बहुत ज़्यादा डेंजर एंड ब्यूटीफुल, वर्ड्स ही नहीं है। अब देख सकते हो रिएक्शन, मतलब दिल से ना पहाड़ से प्यार हो रहा है ये चीज़ को देख के। बहुत फालतू बोल रही हूँ पर ड्रामा भी बहुत है और सुंदर भी। ये देखो ये इतने, मेरे को डर लग रहा है यहाँ पे खड़े होके भी, मजाक जैसे ओ सीधा बना दिया गलती से। मैं आपको दिखाती हूँ सनसेट, थोड़े से पेड़ यहाँ से सही से नहीं दिखेगा वैसे तो, पर मैं दिखाती हूँ। हमने शूट तो वहाँ से करना था पर वहाँ पे अब ड्रोन शॉट्स हो रहे, फिर हम ड्रोन में आ जाएंगे। ये देखो ड्रोन दिख रहा है, इसलिए यहीं से दिखाते हैं आपको। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा है, अभी तो दिन बाकी है पर मतलब अभी तक जितना भी टाइम वो हमने किया है वो बहुत अच्छा रहा है हमारा। और अभी तक का काफ़ी अच्छा व्लॉग गया है हमारा, आई थिंक सो ये बहुत बड़ा व्लॉग हो सकता है। अगर ये ज़्यादा बड़ा ना हुआ तो हम इसे एक में ही रख देंगे, एक ही पूरा उसमें व्लॉग में, वरना इसके दो पार्ट बनाने पड़ सकते हैं हमको, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने रिकॉर्ड किया है, काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड किया है। सो देखते हैं क्या होता है। ओके मिलते हैं, देखो व्यू चेक करो, व्यू से मुझे प्यार हो गया है, सनसेट। सो गाइस अभी हम स्नैक ब्रेक पर रुके हुए हैं क्योंकि हमें थोड़ी भूख लग गई थी, तो हम एक स्नैक ब्रेक में हुए। इसके बाद हमारा एक और जगह पर शूट है, वो जगह का आप लोग जानते ही होंगे, आपको पहुँच कर उस जगह पर बता देंगे हम कहाँ पर हैं। गाइस ये शिमला का नाइट व्यू है, हम अपनी लास्ट लोकेशन में पहुंच चुके हैं और ये इनकी लास्ट आउटफिट। हम तो सेम आउटफिट में रहते हैं हम तो एक आउटफिट लाए हैं, तो एक में ही घूम रहे हैं सुबह से लेकर बस। बाकी अभी ऊपर रिज का व्यू दिखाते हैं आपको, कंटिन्यू रहिए व्लॉग में। और ये लोकेशन है, अरे फ्रेंड कैमरा खोल जरा। तो गाइस हम हमारी लास्ट लोकेशन में आ चुके हैं और ये है शिमला मॉल, मतलब अभी हम रिज पे जा रहे हैं बेसिकली शूट करने के लिए। शिमला रिज दिखाएंगे आपको रात में कैसा लगता है। ये मॉल रोड पे है, तो चल रहे हैं पहुँचते हैं फिर। पता नहीं गाइस हम कैसे दिख रहे हैं, पता नहीं कैसा लग रहा है, क्या होता है ये धुंधले होके, क्या होता मैं धुंधली होगी, पर अभी भी बना रहे शूट कर रहे हैं हम दोनों धुंधले। हाँ जी भैया क्या चाहिए? ये इनकी तो इनके थोड़े थोड़े भी बच्चे वर्कशॉप गए नहीं है ना, तो फिर ये ऐसी हरकते गलत है, इसे सह ले लो। ओके, और हमारे उदित भैया मिस्टर फोटोग्राफर वो भी बहुत आगे यहाँ से दिखेंगे नहीं, उन्हें हम रिज पे ही मिलते हैं, तो फिर अब आगे का व्लॉग रिज पे कंटिन्यू करेंगे। मैक्सिमम शिमला के लोग होते हैं वो रात में ही मॉल रोड पे आते हैं, मतलब ये टाइम अभी क्या टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है अभी, मे बी टेन
30 के आसपास है टाइम मैंने देखा 10:30 हो रहे हैं, तो इस टाइम भी हमारे मॉल रोड में इतना रश है, तो देख लो लोग ज़्यादा रात में ही आते हैं रात में यहाँ पे जंगल If you know, you know. देखो ये थोड़े दिन इनके हरकते ठीक नहीं है ना। सो गाइस हम आपको हनुमान जी की मूर्ति दिखाते हैं जो यहाँ की सबसे बड़ी मूर्ति है, वो देखिए वहाँ पर ये है जाखू टेम्पल। जाखू टेम्पल की सबसे ज्यादा फोकस नहीं होएगा मे बी, जहाँ का मैंने व्लॉग बनाया था नो no, नहीं दिखेगा सिनेमैटिक में। सो गाइस ये रही हमारी लास्ट लोकेशन रिज ग्राउंड रिज मैदान। सो अगर शिमला के हो यहाँ पे शूट नहीं किया तो क्या किया, अब वो देखो हमारा तिरंगा जय हिंद लहराता हुआ कितना सुंदर लग रहा है, दिखाओ अच्छे से दिखा, अच्छे से दिखना चाहिए सारे जहां से अच्छा। सो गाइस अभी हम शिमला में घूम रहे हैं, उन लोगों का तो शूट चला हुआ है सो क्योंकि मेरा पैर वाल से उतराई में ज्यादा गिर गया था, हाँ वो झटका लग गया था हाँ। तो मैं गाइस अभी तो आधा शिमला बंद हो चुका है, देखिए यहाँ पे हमारा पहाड़ी कल्चर दिखाया हुआ है थोड़ा, ये देखिए अच्छे से रुक के दिखाती हूँ। सो अभी मैक्सिमम सारे शॉप्स बंद हो चुके हैं, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सो गाइस यहाँ पे बहुत गंदी क्वालिटी दिख रही है सॉरी, अभी हम वापस जा रहे थे तो हमने एक बहुत सुंदर व्यू देखा, हम आपको यहाँ से दिखाते हैं, आगे से और अच्छा दिखेगा बट यहाँ से भी दिखाते हैं, रुको ये देखो चांद कैसे ऊपर दिख रहा है और नीचे ये व्यू Just looking like a wow. ये देखो पूरा शिमला यहाँ से ऐसे दिखता है इस जगह से, और चांद छिप चुका है मे भी बादलों के पीछे। ये देखो ये पूरा व्यू है, ये पूरा शिमला दिख रहा है यहाँ से, लाइक पूरा तो नहीं दिख रहा बट जितना दिख रहा है ये देखिए, और वो देखो हमारा फ्लैग लहराते हुए। हेलो गाइस फाइनली हम घर आ चुके हैं, अभी रात के 1 के आसपास कुछ टाइम हो रहा है, काफ़ी लेट पहुँचे हम घर को और बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, अभी जस्ट हमने स्किन केयर वगैरह सब कुछ कर लिया, अब जल्दी से सो जाना है बस। ओके बाय बाय गाइस, ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।